हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता वंडर रेसिपी। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी, और भिंडी को हम इस तरीके से मोटे मोटे और बड़े बड़े काटेंगे। यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक नहीं काटा है, बस थोड़ा मोटा काटा है। थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा चाट मसाला या आमचूर पाउडर, और ये मैंने 5 फ़ोरन लिया है, जिसमें एक चुटकी मैंने मेथी, एक चुटकी जीरा, एक चुटकी कलौंजी और एक चुटकी मैंने यहाँ पे सरसों लिया है और सौंफ लिया है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को कर लिया है गरम। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को हमें हाई फ्लेम में हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए, हल्का हल्का हमारा भिंडी का कलर चेंज होने लग गया है। इसे थोड़ा और हमें गोल्डन करना है। तो देख सकते हैं हमारे भिंडी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे फिर से ऑयल। ऑयल अभी थोड़ा कम डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भिंडी में ऑयल है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा कम ऑयल डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम अपना ये 5 फ़ोरन जो हमने बाउल में निकाला था। इसे थोड़ा तड़कने देंगे। आप चाहें तो इसमें अभी ग्रीन चिली या रेड चिली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेड चिली डालूँगी, थोड़ा सा स्पाइसी होने के लिए। तो एक रेड चिली मैंने यहाँ पे डाला है। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्याज बिल्कुल भुन चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ पे हम हल्का सा पानी डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। जीरा डालेंगे हम 1/2 टीस्पून से भी कम। धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। और यहीं पे हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इसे भी हम 1/2 टीस्पून से कम ही डालेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, वो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसे मैं थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ लाल मिर्च डाल रही हूँ। और अब इस मसाले को हमें अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे हम फ्लेम को रखेंगे हाई, ताकि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून जाए और पक जाए। तो देखिए, हमारा मसाला लगभग भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारा टमाटर भी पक जाए। और इसे इस तरीके से मिक्स करके हम मीडियम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, ताकि हमारा टमाटर थोड़ा मैशी हो जाए। यहाँ पे लो हम बिल्कुल मीडियम लो पे कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टमाटर बिल्कुल मैशी हो गया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को और फ्राई करेंगे।
तो देखिए मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब डालेंगे हम इसमें अपनी फ्राई की हुई भिंडी और इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, करीबन 2 से 3 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम अपनी भिंडी को 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। भिंडी यहाँ पे भून गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम हम चिकन मसाला डालेंगे, और जो हमने आमचूर पाउडर निकाला था, अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जो हमने अभी तक नहीं डाला था, तो स्वाद अनुसार नमक डालें आप अपनी भिंडी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम नमक डालकर हाई फ्लेम पर 3 से 4 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा नमक इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम फ्लेम को हाई रखेंगे, ये बिल्कुल 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है सब्ज़ी, तो आप भी ट्राई करें एक बार, ज़रूर बनाए खाएं और बताएं कि इस रेसिपी से आपको भिंडी कैसी लगी। तो हमारा नमक बिल्कुल मिक्स हो चुका है, हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही चटपटी लजीज से, आप पराठों के साथ भी खाएं, पूरी के साथ भी खाएं, जिस चीज़ के साथ भी खाएं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।